बैक टू माय चैनल प्री एग्रीकल्चर टेस्ट ऑफिशियल वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विटामिन्स के बारे में। ये केमिस्ट्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आता है विटामिन्स के बारे में, बायोलॉजी में भी विटामिन्स के ऊपर से पूछ लिया जाता है, और एनिमल हस्बेंड्री में भी विटामिन्स के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। तो सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बहुत से लोगों को विटामिन्स याद नहीं होते हैं, लेकिन आज मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है जिससे आपको याद हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये ट्रिक लिखी हुई है, यहाँ पर ये विटामिन ए बी वन बी टू बी फाइव बी सिक्स बी ट्वेल्व विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ई विटामिन एच विटामिन के ओके, और कौन सी बीमारियां हो जाती हैं वो भी हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ट्रिक बनाई हुई है कि क्या ट्रिक होनी चाहिए। सबसे पहले ट्रिक सुनिए, रात को रामनाथ प्रसाद का सिटी हॉस्पिटल में बीपी बढ़ गया। आई बात समझ में? रात आर ओ टी क्या हो गया? रात हो गया, तो आर ओ टी रात। रामनाथ प्रसाद का सिटी हॉस्पिटल में बीपी बढ़ गया, तो डॉक्टर ने क्या बोला, इनको विटामिन की कमी हो गई है। तो रामनाथ, एक बार और ट्रिक बता दूं, रामनाथ प्रसाद का सिटी हॉस्पिटल में बीपी बढ़ गया, तो डॉक्टर ने बोला इनको विटामिन्स की कमी हो गई है। तो जी आर मतलब रेटिनॉल, टी मतलब थायमिन, आर मतलब राइबोफ्लेविन, एन मतलब पेंटोटोनिक एसिड, पी का मतलब क्या है, पाइरिडॉक्सिन, और सी का मतलब क्या है, साइनोकोबालामिन, और ए का मतलब क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और सी का मतलब है कैल्सिफेरॉल, टी का मतलब है टोकोफेरॉल, बी का मतलब है बायोटीन, और पी का मतलब है बायलो ह्यूमन। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। बी का मतलब बायोटीन और पी का मतलब क्या है, बायलो ह्यूमन। तो ये नाम थे जो मैंने बता दिए, पहले उनके शॉर्ट शॉर्ट लिख लिए मैंने जो ट्रिक थी। अब इसका मतलब ये विटामिन ए का नाम हो गया रेटिनॉल, विटामिन बी का वन हो गया ये विटामिन टू का, ये विटामिन बी फाइव का, विटामिन सिक्स का, विटामिन बी ट्वेल्व का, और ये विटामिन सी का, विटामिन डी विटामिन ई विटामिन एच विटामिन के। समझ में आई ना कितनी शॉर्ट ट्रिक बनाई है आपके लिए। रात को रामनाथ प्रसाद का सिटी हॉस्पिटल में बीपी बढ़ गया, तो उनको विटामिन की कमी हो गई, ये भी समझ में आ गया। अब डेफिशिएंसी सिस्टम से देखते हैं कि विटामिन ए की जब कमी हो जाएगी तो उसको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, विटामिन बी वन की जब कमी हो जाएगी तो उसको बेरी बेरी हो जाएगी, ठीक है, और जब विटामिन बी ट्वेल्व, नहीं विटामिन बी ट्वेल्व नहीं, विटामिन सी है ये, यहाँ पर सॉरी थोड़ा ऊपर पहुंच गया ना, विटामिन सी की जब कमी होगी तब उसको स्कर्वी हो जाएगी, और विटामिन डी की कमी से उसको रैकेट्स हो जाती है, विटामिन ई की कमी से स्टर्लिटी हो जाती है, बांझपन। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है, विटामिन के की कमी से डिले क्लोटिंग। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि विटामिन्स किस तरीके से याद करने हैं। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि विटामिन्स टोटल 10 होते हैं, जैसे कि विटामिन ए विटामिन बी वन विटामिन बी टू विटामिन बी फाइव विटामिन बी सिक्स विटामिन बी ट्वेल्व विटामिन सी डी ई एच के, तो ये होते हैं। अब बॉसों को इनके नाम याद नहीं होते, तो याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है ट्रिक के अनुसार। रात को रामनाथ प्रसाद का सिटी हॉस्पिटल में बीपी बढ़ गया, तो उनको विटामिन की कमी हुई। आर का मतलब है रेटिनॉल, टी का मतलब है थायमिन, आर का मतलब है राइबोफ्लेविन, एन का मतलब है पेंटोटोनिक एसिड, फिर से पी का मतलब है पाइरोडॉक्सिन, सी का मतलब है साइनोकोबालामिन, ए का मतलब है एस्कॉर्बिक एसिड, सी का मतलब है कैल्सिफेरॉल, और टी का मतलब है टोकोफेरॉल, बी का मतलब है बायोटीन, और पी का मतलब है पाइलो क्यूमेन। सो आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विटामिन्स बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज्यादा बार आता है क्वेश्चन में पेपर में, सो ये आपको लंबे समय तक याद रहेगी ट्रिक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।